कि जब ये इंटरेक्टिव किट वाला टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, हम लोग समझाते भी थे, बट बहुत लोगों को ये रॉकेट साइंस लगता था कि कैसे एक नॉर्मल वॉल को हम लोग टच बना सकते हैं, नॉर्मल जो प्लाई का माइका का बोर्ड लगा हुआ है उसको टच बना सकते हैं। तो वो बनता है बट वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल नहीं है। कि हमारी टीम इंटरनली R&D डे बाई डे करते जा रही थी, और आप कहीं भी देखेंगे हमारा, आज भी कहीं भी आप एक्सपीरियंस और फीडबैक लेंगे तो यू विल फाइंड ऑलमोस्ट आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान स्वागत करता हूं आपका यूरेका टेक चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे व्हाई यूरेका टेक एज अ ब्रांड, यूरेका टेक्नोलॉजी कंपनी को एज अ ब्रांड अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे होंगे, यूज भी कर रहे होंगे, यूरेका का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स, यूरेका का पैन टिल्ट जूम कैमरा जो आता है 4K, जो लेक्चर रिकॉर्डिंग कैमरा है, और बाकी स्टूडियो सॉल्यूशंस भी हमारी कंपनी तैयार करती है जो अपने ब्रांड लेवल से। इन सब की जरूरत जो आई या महसूस हुई उसके पीछे हमारी जर्नी और एक्सपीरियंस रही है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स और कस्टमर्स होंगे, लोग होंगे जो कि जो ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी वो डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी का, चाहे यूरेका कंपनी का और अदर ब्रांड्स का भी। तो वो आप अपना कमेंट्स में एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। जो भी प्रॉब्लम्स अगर हुई है किसी भी ब्रांड के साथ, चाहे वो यूरेका के साथ या अदर्स के साथ, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको आपके अच्छे, अगर बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि जो आपका एक्सपीरियंस है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में उस कमेंट के बेसिस पे उस कमेंट्स को हम लोग वीडियोज़ में रिवील करें कैसा आपका एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी के साथ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो जर्नी की शुरुआत हुई वो हमारे काम के साथ ही हुई, हमारे एक्सपीरियंस के साथ हुई। हमारी कंपनी जो है 2016 से एस्टेब्लिश है और इस फील्ड में काम कर रही है, जिसमें हम लोग कोचिंग के साथ, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्कूल्स के साथ अटैच होकर के हम लोग काम करना शुरू किए, हमारा काम कंपनी ने करना शुरू किया। बट जो गवर्नमेंट में भी ये इन चीज़ों का है, गवर्नमेंट में हम लोगों ने बाद में शुरुआत की और कॉरपोरेट्स में, सबसे पहले जो कोचिंग इंडस्ट्री है पैन इंडिया हम लोगों ने काम करना उनके साथ शुरू किया। 2016 में हमारी कंपनी अदर ब्रांड्स के साथ डील करती थी, जो स्मार्ट क्लास हम लोग प्रोवाइड कराते थे, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड कराते थे, अदर कंपनी के ब्रांड होते थे। तो सबसे पहले जो स्मार्ट क्लास की बात आती है, तो इनिशियली स्टार्टिंग में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड किट होता था। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड किट का मतलब कि एक छोटा सा डिवाइस जिसको इंटरैक्टिव किट या इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड IWB किट बोलते थे, उसके साथ प्रोजेक्टर और कंप्यूटर, ये तीन चीज़ों को यूज करके जो नॉर्मल बोर्ड व्हाइट बोर्ड होता था उसको हम लोग टच में कन्वर्ट करते थे, या कोई भी ऐसा सरफेस जो वॉल भी हो गया, अगर दीवार है उसको टच में हम लोग प्रोजेक्टर के साथ लगा करके कन्वर्ट करते थे डिजिटल बोर्ड में। ये पहला टेक्नोलॉजी था, ये बहुत इनिशियली आया था, पर ये टेक्नोलॉजी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आया उसमें इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, एक बोर्ड आता था इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड की तरह ही दिखता था जो कि टच काम करता था, उसमें भी अगेन प्रोजेक्टर चाहिए था, एक कंप्यूटर चाहिए था। ये हुआ सेकेंड जेन जो आया। उसके बाद इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल या डिजिटल बोर्ड जो टच स्क्रीन की तरह आप देख रहे होंगे वो आया। सबसे पहले जब ये सारे सॉल्यूशंस आए, ये सारे जो प्रोडक्ट आए जब मार्केट में गए, तो क्या क्या परेशानी हुई हमारे साथ, हमारे कस्टमर्स के साथ, उसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया और उसी बेस पे हम लोगों ने आगे इम्प्रूवमेंट किया, और तब हमें महसूस हुआ ब्रांड यूरेका एज अ ब्रांड लॉन्च करने का। सबसे पहले जैसे कोई इंटरेक्टिव किट की बात करते हैं, जो बाद में भी बहुत लोगों ने बेच दिया कह के, जब ये इंटरेक्टिव किट वाला टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, हम लोग समझाते भी थे, बट बहुत लोगों को ये रॉकेट साइंस लगता था कि कैसे एक नॉर्मल वॉल को हम लोग टच बना सकते हैं, नॉर्मल जो प्लाई का माइका का बोर्ड लगा हुआ है उसको टच बना सकते हैं। तो वो बनता है बट वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल नहीं है, प्रैक्टिकली यूजफुल उतना नहीं है। जब कुछ नहीं था तो वो था, उसमें क्या हुआ कि जब वो किट आता था, किट को प्रोजेक्टर और कंप्यूटर के साथ सिंक्रोनाइज करना, इंस्टॉलेशन करना, इट्स अ वेरी टफ टास्क। तो जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया दूसरे कंपनी के ब्रांड के साथ और दूसरे के प्रोडक्ट के साथ, तो वो प्रोडक्ट भेज देते थे और उसको इंस्टॉलेशन कराने में उस
कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे आने में बहुत टाइम लगता था, एक तो वो प्रॉपर हो भी नहीं पाता था। तो इसमें समटाइम्स क्या हुआ, हमने बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर पैन इंडिया हमने बनाना शुरू कर दिया और लेने लग गए, थोड़ा फीडबैक खराब होने लगा इंस्टॉलेशन का, क्योंकि उसमें ना कैलिब्रेशन होता है। इसका वीडियोज भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हमारा बना हुआ है हमारे चैनल पे बहुत पहले का, आप देख भी लीजिएगा उसको कि क्या होता है, जो जिनको अगर इसके बारे में पता है या एक्सपीरियंस नहीं है। तो कैलिब्रेशन एक्यूरेट नहीं होने के कारण राइटिंग अच्छी नहीं होती थी, सही से इंस्टॉलेशन नहीं होता था, इंस्टॉलेशन बहुत लेट होता था, कस्टमर पैसा लगाने के बाद भी बहुत फ्रस्ट्रेशन फील करता था। इसमें फिर हम लोगों की जो एक्सपर्ट टीम थी, जो एनर्जेटिक टीम थी, उन्होंने हम लोग खुद उसमें एंटर हुए, अपना एफर्ट्स लगाए, R&D करना हम लोग शुरू किया और उसको ने एक नेक्स्ट लेवल तक ले गए। जो एक्चुअली उस प्रोडक्ट को बनाता था कंपनी, जो OEM था, जो लेकर के आता था, जितना अच्छा वो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाता था, उससे भी बढ़िया सोल्यूशन हम लोगों ने करना शुरू क्यों किया। अब जैसे ग्लॉसी बोर्ड है, जो भी बोर्ड व्हाइट बोर्ड होता था उस पर जब आप प्रोजेक्टर का लाइट पड़ता है तो वो चमकने लगता है, स्पॉट आता है प्रैक्टिकली, आप देखेंगे एक लाइट फोकस करेंगे या जिनको एक्सपीरियंस होगा तो पता होगा। जब वो राइटिंग भी एक पेन, IR पेन उसको बोलते थे, IR पेन से जब वो टच करके राइटिंग करते थे तो वो ग्लॉसी होने के कारण स्लिपरी होता था, वो राइटिंग भी स्मूथ नहीं हो पाता था। हमने इसमें एक जुगाड़ किया जो आज तक जनरली किसी ने नहीं किया, मैं आज फर्स्ट टाइम रिवेल कर रहा हूं और पता चलेगा आप लोग को। और जब कंपनी भी देखी जो सप्लाई देती थी कि आपने ये हम लोगों से भी बेटर कैसे कर दिया, तो हमारी टीम जब लगी तो इसको लगा कि ये प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग उसकी जगह एक आपको मैट फिनिश का बोर्ड आता है, तो मैट फिनिश में प्रॉब्लम क्या होता था कि जब अगर उस बोर्ड को प्रोजेक्टर के साथ एज ए स्मार्ट बोर्ड यूज करना है तब तो ठीक है, क्योंकि उस पर कोई इंक का इंप्रेशन नहीं है, और जब उनको नॉर्मल बोर्ड की तरह अपने मार्कर से यूज करना है तो मैट फिनिश बोर्ड पे ना मार्कर का इंप्रेशन आ जाता था, वो अच्छे से रब नहीं होता था। फिर उसमें हम लोगों ने क्या किया कि इस चीज को नहीं, नॉर्मल बोर्ड उनका ग्लॉसी रहने देते थे जिसपे वो मार्कर से लिखते थे, उसके ऊपर हमने एक लेयर लगाया विनाइल का वाइट। तो वाइट विनाइल का लेयर लगाने से जब प्रोजेक्टर की लाइट उस पे आती थी तो वो बिल्कुल चमकता नहीं था, नहीं के बराबर चमकता था, वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर जाता था। और विनाइल पे आपका अगर एक्सपीरियंस होगा आप देखेंगे जैसा वो मटेरियल होता है, और जब वो राइटिंग करते थे तो उनका पेन भी स्लिपरी नहीं होता था, एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई वहाँ पे हमने किया। बट कंपनी ये क्योंकि पैन इंडिया कर रहे थे, उनके टीम जाती थी इंस्टॉलेशन के लिए, प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे, फिर हम लोग अपनी टीम भेजना शुरू कर दिए, इनकी टीम को बोलते थे कि नहीं आप लोग नहीं कीजिए। बट बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ थी जो कर रही थी मार्केट में, उसके कारण ओवरऑल जो रिस्पॉन्स आता था कस्टमर पैसा लगाने के बाद भी, चीज़ें करने के बाद भी वो परेशान सा फील होता था। बट हम लोगों ने कोशिश की कि उस टाइम पे उस टेक्नोलॉजी में भी हम लोग बेस्ट काम करें, और बेस्ट काम करके हम लोगों ने दिया। सेकेंड इंटरेक्टिव बोर्ड का जब फेज आया तो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड में भी क्वालिटी अलग अलग आती थी, उसमें भी प्रोजेक्टर यूज होता था, वहाँ पे भी कैलिब्रेशन का इशू बहुत लोग के साथ आता था। दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता था, बहुत सारे लोग वो देते थे बट उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग नहीं करा पाते थे। अब ट्रेनिंग नहीं होने के कारण ये प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल ही नया था। आप लोग खुद ही बताइए कि 2016 में कमेंट करके कितने लोगों को पता था इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स या डिजिटल बोर्ड या इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के बारे में, जिनको पता था और वो हमें बताएं कि कब से आपको पता चला इन सारे सिस्टम्स और ऐसे टूल्स के बारे में। तो उसमें भी कैलिब्रेशन में इशू होने लगा, बेटर हो गया था, राइटिंग एक्सपीरियंस बेटर हो गया था, क्वालिटी बेटर हो गया था, बट उसमें भी प्रॉब्लम आने लगा, क्वालिटी की प्रॉब्लम, इंस्टॉलेशन में अगेन प्रॉब्लम। तो जहाँ भी हम लोग करते थे उसको हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको ओवरकम करें, कम से कम जो है उनके प्रॉब्लम्स हो, और ऑलमोस्ट कस्टमर को हमने सेटिस्फाइड किया। आज भी हमारे वैसे कस्टमर जिनको हम लोग इंटरेक्टिव किट लगाया था, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड लगाया था और उस टाइम लगाया था, वो आज भी हमसे लेते हैं क्योंकि हमने उस टाइम पे उनको बेटर बेटर सोल्यूशन दिया था कमिटमेंट के साथ। तो हमेशा R&D टीम हमारी रही, प्रोडक्ट भले ही किसी और का होता था हमारे यहाँ उसको R&D करते थे, उसको खोलते थे, उसको देखते थे, उन चीज़ों को समझते थे जितनी कि शायद जो पीछे से OEM कहलाते हैं जो प्रोडक्ट देते थे वो उतना नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट होता था प्रोडक्ट और इंडिया में फिर आकर के अलग अलग कंपनियों के थ्रू जाता था। तो जो इंडिया में OEM होता था उनको भी उतना आइडिया नहीं होता था, और उनके प्रोडक्ट मैनेजर को या उनके इंजीनियर्स को भी आइडिया नहीं होता था उतना। तो वहाँ से हम लोगों का ना धीरे धीरे कंपनी के बीच में ना नाम होना शुरू हो गया। अब आता है फेज इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का।
और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स में क्या क्या परेशानी और प्रॉब्लम्स आया उसके बारे में अब बात करते हैं। फिर आया इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का दौर। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल जब मार्केट में आया और ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था, बट ये एडवांस प्रोडक्ट था। ये एक्चुअली एक स्क्रीन की तरह आपको दिखता था, जो टच होता है कंप्लीटली, और वो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड बेस्ड होता था, जो आजकल सबको पता है, ऑलमोस्ट लोगों को पता है। तो ये जब इसकी जब कंपनियां आई इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, जब बाहर से बहुत सारी कंपनियां आई और इंडिया में काम करना शुरू की, और इंडियन कंपनी के साथ भी बहुत सारे मिलकर के शुरू की, तो इसमें भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखे। जब ये पैनल्स आया, इनके पैकेट बहुत बड़े होते थे, हैवी होते थे ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाता था, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था। जब भी कोई कस्टमर के यहाँ ऑर्डर होता था और जाता था, तो अगेन इंस्टॉलेशन सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इंस्टॉलेशन कस्टमर को चाहिए और इंस्टेंट चाहिए। अब इंस्टॉलेशन के टाइम प्रॉब्लम क्या हमारी कंपनी ने देखा बहुत जगह, जो फिजिकली, जो वो लोग, जैसे किसी के यहाँ चला गया और उसके यहाँ कोई एल्युमिनियम बेस का पार्टीशन बना हुआ है कोचिंग में, जहां पे भी वो लगाना चाहते हैं, वो पैनल इतना हैवी होता था या होता है आज भी, जो पैनल आता है, आपको आइडिया है डिजिटल बोर्ड का, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का, कि कितना हैवी होता है। उस टाइम पे वो और भी ज्यादा हैवी होता था। इस पे लगाना तो इंस्टॉलेशन वाली जो टीम जाती थी कंपनी की, वो मना कर देती थी कि इस पे नहीं लगेगा, आप वैसा जगह अरेंज करके दीजिए तब लगेगा। अब वो जब चली जाती थी, जब तक वो फिर अरेंज करते थे नेक्स्ट प्लेस कोई, उनको मजबूरी में करना पड़ता था, तब तक बहुत प्रॉब्लम होती थी। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ये होता है तो फ्लोर माउंट लगा देते, इजिली सॉल्व हो जाता। सर उस टाइम पे इनिशियली फ्लोर माउंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फ्लोर माउंट नहीं था वहां पे, नहीं हो पा रहा था। दूसरा जो है, जैसे कोई अगर दीवाल ही है, दीवाल वॉल हो गया, इसके बीच में ना ऐसे पिलर पिलर निकला हुआ होता था। अब एक तरफ से पिलर ऊपर है, एक तरफ से डाउन है, फिर उधर भी डाउन है, वैसा ही जगह उसके पास लगाना है, उस सिचुएशंस में भी फंस जाते थे, नहीं करते थे, कस्टमर को वहां भी प्रॉब्लम होता था। और ऐसे कस्टमर्स इंडिया में आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम कस्टमर है जो प्रीमियम लेवल के, और उनके पास एक सुटेबल स्पेस है। बहुत सारे ऐसे जो ज्यादातर कोचिंग्स वाले, जो ज्यादातर टीचर्स हैं, मैं 80% की बात करूंगा, कि उनका बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज स्पेस नहीं होता है। तीसरा जो प्रॉब्लम आता था कि उनका विंडोज है उस एरिया में, वहीं पे लग सकता है और कोई नहीं है। और स्पेशली ये सब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब हुआ, जब कोविड का टाइम आया, और उस टाइम पे लोगों को ना घर पे लगाना था, क्योंकि घर पे रहना था, वहीं से पढ़ाना था, तो उनके घर में विंडोज है, अलमीरा है, तो कैसे लगाएं, सेल्फ बना हुआ है तो कैसे लगाएं वहां पे, उसमें कंपनियां नहीं करती थी। वहां पे हम लोगों ने, हमारी टीम ने जा करके सॉल्व किया। वो आपको दिखेगा कि अगर विंडोज है इजली लगा देते थे, शुरू में जब फ्लोर माउंट नहीं था तो वहां पे कैसे करना है, वहां पे भी इजली हम लोग लगा देते थे। कैसे करते थे, एक एल शेप का एंगल लगाते थे इसके साथ, वेल्डर को बुला करके, और उसके ऊपर स्टैंड का वो बना करके जगह मेजर करके, और तुरंत लगवा देते थे। बहुत ही इजी था सॉल्यूशंस, बट कोई कंपनी नहीं करती थी। ये हम लोग जहां जहां कर रहे होते थे वहां तो सही था, बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कर रहे थे, वहां पे एक्सपीरियंस कस्टमर्स का, टीचर्स का, एजुकेटर्स का बुरा जा रहा था। तो मिक्स एक्सपीरियंस था मार्केट का, टीचर्स का, बट हमारे साथ जो थे उनको हम लोग चाहते थे कि उनके एक्सपीरियंस एनहेंस हो, उनको बहुत अच्छा लगे। और बहुत कोशिश हमने किया, 90-95% कस्टमर्स हमारे बिल्कुल हैप्पी मिलेंगे। जब कंपनी को ये बोलते थे तो कंपनी को उससे मतलब नहीं होते थे। दूसरा, जब कंटेंट यूज करने की बात, ट्रेनिंग देने की बात, ट्रेनिंग में भी ऐसे ही होता था, नहीं दे पाते थे वो, क्योंकि ये मार्केट में बिल्कुल नया प्रोडक्ट था, यूज टू नहीं था। जैसे आज के टाइम में बहुत लोगों को पता है कि कैसे यूज किया जाता है क्या, उस टाइम लोग डरते थे। तो जब तक आप बताओगे नहीं कि पीडीएफ कैसे यूज करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कैसे करना है, कैसे सेव करना है, कैसे कंटेंट को लाना है, कैसे सर्च करना है, तो उनको एक डर भी लगता था कि यूज करने में खराब हो जाएगा। ज्यादातर कस्टमर का यही होता था। ज्यादातर टीचर्स वो टेक सेवी नहीं होते हैं, ज्यादातर एडुकेटर टेक सेवी नहीं होते थे, इसलिए वो बहुत डरते थे। और बहुत ये चीज, उस चीज को भी हमने ओवरकम किया। वैसे वैसे टीचर्स को हमने सिखाया, आप हमारे चैनल पे जाकर के
टीचर्स का रिव्यू भी आप देख सकते हैं, वो बताएंगे कि कब उन्होंने लगाया है और वो कितना डरते थे और हमारे कंपनी के साथ जुड़ने के बाद उनको कैसा फील हुआ और कितना उनमें इम्प्रूवमेंट आया। यहाँ पे प्रॉब्लम उसके बाद आप आई सर्विसेज की बात, जब हार्डवेयर रिलेटेड सर्विसेज आया या कोई वैसी चीजें जो यूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड है या लैक ऑफ नॉलेज के कारण, तो कंपनी बोलती थी कि कस्टमर को हमारे पोर्टल पे जाकर रजिस्टर्ड करना है, फिर उसके बाद मेल करना है, फिर वहां से मेल आता था, फिर वो चीजों को वो देखते थे, पूछते थे कस्टमर को, फिर अगेन मेल करना होता था, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता था। जैसे 5 मिनट का सोल्यूशन है कि पीडीएफ अगर कैसे इंपोर्ट करना है, वहां पे अगर वो फंसा हुआ है, इन चीजों के लिए वो बहुत ज़्यादा वो लोग टाइम ले लेते थे, 1 वीक का टाइम चला जाता था। कस्टमर्स, मैं बताऊं आज भी 95% कस्टमर्स नहीं चाहता है कि मैं आपको मेल करूं, मेल पे फिर रिप्लाई आया, फिर मैं ऐसे करूं, वो चाहता है 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट हो, 1-to-1 टॉक हो जाए, उसमें वो अपनी चीज़ें अच्छा से बता पाता है, जल्दी बता पाता है और वो सोल्यूशन हो जाता है। जो भी ये चीजें बता रहे हैं, इन सारी चीजों को एज ए यूरेका ब्रांड हम लोगों ने ओवरकम किया है और एक अच्छा ब्रांड बनाया है विथ हैविंग द वेरी गुड सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज। और बाकी इन सब चीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए कि हमारी कंपनी कैसे प्रोडक्ट देती है और कैसे जो हमारी सर्विसेज प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है, कैसे आपके लिए ये अच्छा है और बुरा है। आप अगर कॉल करेंगे तो आप खुद ही जान पाएंगे और जस्टिफाई कर पाएंगे। और बहुत सारे लोगों का अभी भी आता है कि यूरेका का हमने नाम नहीं सुना। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं और लोकल जो लोकल एरिया में रह रहे हैं वो प्रेजेंस बना करके, तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो नहीं सुना हुआ, बट आप उसके बारे में पता कीजिए। और हमारी कंपनी तो बहुत पहले से है और हजारों क्लाइंट बेस है हमारा, और चाहेंगे जो नए हमारे साथ जुड़े एक बार जरूर हमारे साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन कीजिए, देखिए कैसे क्या है, उन चीज़ों को समझिए। हम लोग एडुकेट करते हैं प्रोडक्ट लेने से पहले भी कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है और किसका प्रोडक्ट सही है, किस तरह का लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट, किसी का भी प्रोडक्ट आप उससे जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत सारे मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट भी हैं और बुरे प्रोडक्ट भी हैं, उस बेसिस पे आप अच्छे और बुरे का डिसीजन लेकर के प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये सारी जो कुछ कहानियाँ हैं अभी हमने बताया, सर्विस रिलेटेड, इंस्टॉलेशन रिलेटेड, फ्लोर माउंट पहले नहीं था तब हमने कैसे किया, जब विंडोज़ पे विंडोज़ मतलब कि खिड़कियां जो रूम में होती थी तब अगर कस्टमर को, हाँ एक और चीज़ कि जब कोविड के बाद क्लासेस खुलना शुरू हुआ तो पैनल को रीलोकेशंस करना था, इंस्टॉलेशन करना था, वहाँ पे भी कंपनियाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब पैनल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाए, क्योंकि बहुत ही हैवी प्रोडक्ट होता था और रिस्की प्रोडक्ट की एक बार अगर वो टूट जाए, ब्रोकन हो जाए तो सारा पैसा गया पानी में, क्योंकि वारंटी में वो कवर नहीं होता था। तो कोई ये छोटे काम को ना कि नहीं अरे हम यहाँ से वहाँ भेजेंगे, कोई ये मार्जिन नहीं आएगा, चीज़ें नहीं हो, मतलब इसमें तो मैं 95-98% कंपनियों ने मना कर दिया। हम लोगों ने, हमारी टीम ने जहाँ कहीं भी किया था उनको किया। कुछ कुछ ऐसे कस्टमर्स जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए, कहीं और से लगाए हुए थे, फंसे हुए थे, उनको भी हमने करवाया। ऐसा नहीं है, रीलोकेट भी एक जगह से दूसरी जगह उनके पैनल को ट्रांसपोर्ट भी कराया, रीइंस्टॉलेशन भी कराया और फिर उनके स्टूडियो सॉल्यूशंस में भी हमने हेल्प किया। स्टूडियो सॉल्यूशंस में पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग इसमें कैमरा ले लिया उन्होंने, बोर्ड कहीं और से ले लिया, माइक कहीं और से, फ्लिकरिंग का इशू आ रहा है तो माइक में जो है नॉइज आ रहा है, अच्छा वीडियो नहीं बन पाता था, अच्छी क्वालिटी नहीं निकल पाती थी, लैक ऑफ नॉलेज, उन चीज़ों को भी, क्योंकि हमारी टीम इंटरनली R&D डे बाई डे करते जा रही थी। और आप कहीं भी देखेंगे हमारा, आज भी कहीं भी आप एक्सपीरियंस और फीडबैक लेंगे तो यू विल फाइंड ऑलमोस्ट आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो हम लोगों ने बहुत ग्राउंड पे रह के काम किया, हम लोगों ने वैसे एक्सपीरियंस करके काम किया जैसे टीचर्स को एक एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हैं, एज अ कंपनी की तरह नहीं। फिर हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि सर्विसेज में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना शुरू किया जो अदर्स कंपनी वाले थे। कमिटमेंट कुछ और होता था,
जब सर्विस के टाइम आया हार्डवेयर का, तो महीने भर, 1.5 महीना, 2 महीना, आप सोचिए, आप खुद टीचर्स हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, या अगर नहीं भी आई, आप सोचिए कि कोई पैनल आप पढ़ा रहे हैं रेगुलरली, अगर कोई हार्डवेयर रिलेटेड सर्विस आ गई और वो महीने दो महीने में अगर आपको वो सर्विस मिले, क्लास सस्पेंड हो जाता है, तो बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, टीचर इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि उनका वो एक इकोसिस्टम बन गया होता है, उससे फिर निकलना और चीज़ों को करना, उसी बेस पे वो एडमिशन लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं कि हम आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। आज भी बहुत सारी कंपनियों के साथ, आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके की नाम आप सुने हैं, अदर प्रोडक्ट्स में सुने, इसलिए आपको वो सुना हुआ लगता है, और उन्होंने अपना डिजिटल बोर्ड भी लॉन्च कर दिया, तो सुना हुआ लगता है और आपको लगता है कि अच्छा है, बट उनमें भी आपको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने वेट करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ कैसे होता है, कॉल कीजिए, आपको बताया जाएगा इसका अल्टरनेटिव क्या है और कैसे हम लोग फास्ट करते हैं इन चीज़ों को। इसी कारण से यूरेका डिफरेंट है, इसी कारण से यूरेका ब्रांड को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी। और आप एक बार हमारी सर्विस लेके देखिए, एक बार हमारे यहाँ इंक्वायरी करके देखिए, एक बार हमारे यहाँ से जुड़ के देखिए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है और रहा है। और आगे भी हम लोग डे बाय डे इस पे R&D करते हैं, कोशिश करते हैं कि और क्या बेटर हो सकते हैं, और क्या अच्छा आप लोग के लिए ला सकते हैं, और क्या इकोनॉमिकल कर सकते हैं, आपके कंफर्ट के हिसाब से और क्या कर सकते हैं, तो इस पे हम लोग डे बाय डे काम कर रहे हैं। बाकी इसी तरह से अपडेट रहने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, आपको टाइम टू टाइम वीडियो हमारा मिलता रहेगा। थैंक यू।